नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली है तभी से सरकार चलाने के साथ ही हिंदुत्व के एजेंडे को भी धार देते रहे हैं। काशी, मथुरा, अयोध्या, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे धार्मिक क्षेत्र तो जैसे उनके दिल के सबसे करीब हैं। इसलिए योगी सरकार में जहां पहली बार अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया गया तो वहीं दो बड़े रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया। मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। इसके साथ ही योगी सरकार ने दो जिलों का भी नाम बदल दिया। फैजाबाद को अयोध्या कर दिया जबकि इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। इलाहाबाद तो प्रयागराज हो गया लेकिन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला गया था क्योंकि रेलवे स्टेशन केंद्र सरकार के अधीन आता है। लेकिन अब मोदी सरकार से मिली एनओसी के बाद योगी सरकार ने रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया है। जी हाँ, आप अगर अब इलाहाबाद जंक्शन के लिए रेलवे टिकट कराने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए क्योंकि योगी सरकार ने करीब 163 साल बाद इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन कर दिया है। इसके साथ ही योगी सरकार ने 3 और रेलवे स्टेशन के नाम बदले हैं। केंद्र सरकार से एनओसी मिलने के बाद इस संबंध में लोक निर्माण विभाग ने बीते दिन अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत प्रयागराज जिले के अंतर्गत आने वाले 4 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया। इलाहाबाद सिटी को अब प्रयागराज रामबाग कहा जाएगा। इलाहाबाद छिवकी को अब प्रयागराज छिवकी कहा जाएगा। प्रयाग घाट का नाम बदलकर प्रयागराज संगम किया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इन 4 रेलवे स्टेशन के नाम बदले जाने के बारे में बताते हुए ट्वीट किया। भारत और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज जनपद में स्थित इलाहाबाद जंक्शन, इलाहाबाद सिटी, इलाहाबाद छिवकी, प्रयाग घाट स्टेशनों के नाम को प्रयागराज से प्रारंभ होने वाले शब्दों पर रखने का निर्णय लिया है। रेल मंत्री ने बताया कि इस फैसले से प्राचीन नगर की पहचान वापस मिलेगी। मुगलों ने बदल दिया था प्रयागराज का नाम। योगी सरकार ने साल 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर दोबारा प्रयागराज कर दिया था क्योंकि ऐतिहासिक अभिलेखों के मुताबिक इलाहाबाद पहले प्रयागराज के नाम से ही जाना जाता था लेकिन 1526 में ये पौराणिक भूमि मुगलों के अधीन हो गई और तब मुगल शासक अकबर ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। अल्लाह का मतलब तो आप जानते ही हैं और आबाद का मतलब बसाया हुआ, यानी अल्लाह का बसाया हुआ शहर, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसे इलाहाबाद कहा जाने लगा। यही नाम अब सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। वहीं प्रयाग का नाम तो पुराणों में दर्ज है। पुराणों और हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक इस भूमि पर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यज्ञ संपन्न किया था, इसलिए प्र से प्रथम और य से यज्ञ मिलाकर इसका नाम प्रयाग पड़ा। इसे सभी तीर्थों का राजा, संगम नगरी के नाम से भी ख्याति प्राप्त है। पौराणिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए वर्षों से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने की मांग उठती आ रही थी मगर किसी भी सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। लेकिन जब मार्च 2017 में योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई तब तो उन्होंने ये वादा भी किया कि वो इलाहाबाद का नाम फिर से प्रयागराज कर देंगे और नाम बदल कर दिखा भी दिया। माँ गंगा की आराधना करते हुए, आचमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पूर्व उन्होंने माँ गंगा के स्नान किया। जगत्राहा इस्तेयंगे दुष्टवागं चतनो विवते महिदेवहितं जगायो
सहजं पुरस्कार आयुष्मकृणं प्रतिभुज शुभ्रं यज्ञो भवेत्
तारते गुराज परियम जलम समर्पयामि श्री त्रिवेण्यै।